हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको भी पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना है, ठीक है? आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू भी कर देते हो सकता है पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के पहले आपने कुछ जांच पड़ताल की होंगी, कुछ जानकारी इकट्ठी की होंगी, या फिर हो सकता है बहुत सारे केसेस में आपने थोड़ी सी जल्दी की होगी, ठीक है ना? तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देकर ही हमें पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करनी होती है। लेकिन इसी स्टार्टिंग के पॉइंट पे ही बहुत सारे नए पोल्ट्री फार्मर्स की गलती हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में आपको ईच एंड एवरी टॉपिक समझ के बताने वाला हूँ कि कौन सी बातों का आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है जब कभी भी आप एक पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करते हो, ठीक है? क्योंकि इन बातों का अगर आप प्रॉपरली ध्यान नहीं देते हो तो बाद में जाकर आपको पछताना भी पड़ सकता है, ठीक है ना? तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज का वीडियो सिर्फ मैं वीडियो देख रहा हूँ इस हिसाब से मत देखिएगा। अगर आप जेन्युइनली आने वाले 3 से लेकर 5 महीनों के भीतर भीतर पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने का पूरी तरह से ठान लिए हो या फिर अपना पूरी तरह से मन बना लिए हो तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है, ठीक है? पोल्ट्री फार्मिंग में जो भी बातें होती है जैसे कि ब्रूडिंग मैनेजमेंट हो गया, टेम्परेचर मैनेजमेंट हो गया, चिक्स की मोर्टेलिटी, वैक्सीनेशन, बायोसिक्योरिटी, वेंटिलेशन, ये सब चीज़ें बात की आती है। लेकिन अगर आपकी गलती स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी ना तो आगे का पूरा रास्ता आप चढ़ ही नहीं पाओगे या फिर आपकी ग्रो ही नहीं हो पाएगी। तो ये वीडियो बाकी सभी चीज़ों से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, मार्केटिंग जो पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, मार्केटिंग या फिर सेलिंग रेट, उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। धीरे धीरे से बिल्कुल ध्यान देकर मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे एक एक बातों को समझने की कोशिश कीजिए, उस पर सोचिए और उसके बाद फिर ही कमेंट कीजिए, ठीक है ना? तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और हार्ड बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद में आपको पूरी की पूरी बातें समझाकर बताऊंगा। दोस्तों, जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने पास आके पोल्ट्री एक्सपेंसिव पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ईबुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपए में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ईबुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपए में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपए लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रूडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट के स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। देखिए दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपको 5 पॉइंट क्लियरली समझाकर बताने वाला हूं जो एक नए पोल्ट्री फार्मर को पोल्ट्री बिजनेस शुरू करने के पहले ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 5 से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि पॉइंट नंबर वन जो होगा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पॉइंट नंबर 5 से धीरे धीरे शुरुआत करके मैं पॉइंट नंबर 1 तक के आपकी हर एक बात क्लियर करा के बता दूंगा, ठीक है? पॉइंट नंबर 5 की हम बात करते हैं, पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करने के पहले पोल्ट्री की कौन सी कैटेगरी में आपको काम करना है ये पहले आपको पूरी तरह से डिसाइड कर लेना होता है। क्या होता है, पोल्ट्री बिजनेस करते समय जितना वो आसान दिखता है, प्रैक्टिकल तौर पर जब वहां पर हम उतरते हैं तो पूरी की पूरी चीजें अलग दिखाई देती है या फिर जितनी आसान लगती थी उससे कई गुना डिफिकल्ट दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों को मोर्टेलिटी और डिसीज मैनेजमेंट प्रॉपरली ना आने के पाने की वजह से पोल्ट्री बिजनेस वाकई काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगने लगता है। तो इसी कारण अगर आप मिड पर्पोज में काम करते हो तो बाद में सिर्फ 5-6 महीने के बाद आपको लगता है कि भैया मुझे अंडों के बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, लेयर मुर्गियां पालना चाहिए। अगर आप लेयर मुर्गियां पाल रहे हो तो फिर आपको लगता है कि भैया मुझे इंक्यूबेशन का काम करना चाहिए। अगर आप इंक्यूबेशन का काम करते हो और वहां पर भी अगर आपको प्रॉपरली सक्सेस नहीं मिल रहा तो आपको लगता है कि भैया मुझे मिड पर्पज के लिए कोई देसी नस्ल की मुर्गी या फिर ब्रॉयलर का काम करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कहीं पर भी काम क्यों ना करो,
ठीक है ना, वहां पर थोड़ी बहुत अगर डिफिकल्टी आती है तो फिर आपको लगता है कि भैया मुझे दूसरे कैटेगरी में काम करना है, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत में आपने पूरी तरह से नॉलेज नहीं लिया, मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, जियोलॉजिकली क्या स्ट्रक्चर है, मैं कितना काम कर सकता हूँ, मैं कौन से फील्ड में काम कर सकता हूँ, मेरा जितना भी एजुकेशन हुआ है या फिर मेरा जो भी साइकोलॉजी है उस हिसाब से मैं मीट परपोज करना चाहता हूँ या फिर अंडों के लिए लेयर फार्मिंग करना चाहता हूँ या फिर इंक्यूबेशन का काम करना चाहता हूँ, ये प्रॉपरली आपने डिसाइड नहीं किया। और चलो कोई अगर आपने कैटेगरी पकड़ के उसके साथ साथ चल भी रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी जब कभी आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी उस कैटेगरी में आ जाती है, मान के चलिए मिड परपोज में, लेयर फॉर्मिंग में या फिर इंक्यूबेशन के काम में, तो आप दूसरी कैटेगरी की तरफ ट्रांसफर होने के बारे में सोचते हो। ऐसे में दोस्तों कभी भी सक्सेस रेट आपको नहीं मिलेगा, कभी भी सक्सेस पोल्ट्री में नहीं मिलेगा। आपको फोकस होकर एक ही कैटेगरी में काम करना है, धीरे धीरे जैसे टाइम बीतते जाएगा आपकी महारत उस कैटेगरी में बढ़ती चली जाएगी, आपका नॉलेज बढ़ते चला जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ते चला जाएगा, तो धीरे 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 चीजें आसान बनती जाएगी। देखो भैया हर एक बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ उसमें टाइम भी इन्वेस्ट करना होता है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जब कभी भी आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करोगे तो सबसे पहले कैटेगरी डिसाइड कर लो कि कौन से कैटेगरी में, मतलब पोल्ट्री की जो भी कैटेगरीज होगी, मीट परपोज में काम करना है या फिर अंडों के लिए लेयर फार्मिंग करना है या फिर मुझे हैचिंग का इंक्यूबेशन का काम करना है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अभी पॉइंट नंबर 4 आपको समझा कर बताता हूं। क्या आप खुद पोल्ट्री में टाइम देने वाले हो या किसी वर्कर को काम पे लगा के उसी से पूरे पोल्ट्री के काम करवाने वाले हो? देखिए यहां पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप वर्कर लोगों से काम बिल्कुल भी मत कराओ, लेकिन जहां तक कि मैंने एक अनसक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर्स देखे हैं, वो लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा काम वर्कर से करवाते हैं और टाइम ना के बराबर पोल्ट्री फार्म में देते हैं। उनको लगता है मुर्गियों को दाना देना है, 7 दिन के बाद वैक्सीनेशन कराना है, हमारी मुर्गियां रेडी हो जाएंगी और उनको बेच देना है, या फिर अंडों का बिजनेस हो या फिर इंक्यूबेशन का काम हो, वो पूरी तरह से वर्कर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो यहां पर मैं पहले बता दूं, अगर आप वर्कर से भी काम करते हो तो यहां पर भी पोल्ट्री में सक्सेस रेट है, 100% सक्सेस रेट है। लेकिन जब आप पोल्ट्री के ओनर हो, एज अ ओनर पोल्ट्री में थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब कभी भी वर्कर आपके पोल्ट्री फार्म पर काम करेगा उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं होती या फिर आपके प्रॉफिट से या फिर लॉस से उसको कुछ भी लेना देना नहीं होता, उसको सिर्फ महीने तक के काम करना है, उसके बाद पगार उठाना है। इसके लिए जेन्युइनली कोई भी वो पॉजिटिव थिंकिंग से या फिर पॉजिटिव एनर्जी से काम नहीं करता। एज ए रिजल्ट जब आप 2 महीने के बाद या फिर 3 महीने के बाद आपके पोल्ट्री फार्म पर जाकर थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आपको पूरी की पूरी चीजें बिखरी हुई दिखाई देती है, या फिर कहीं ना कहीं आपका जो भी पोल्ट्री का बिजनेस होता है वो डिक्रीजेस रेशियो में जाता हुआ आपको दिखाई देता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर वर्कर से भी काम करवाते हो लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पोल्ट्री में हफ्ते में कम से कम 1 से लेकर 2 दिन टाइम दे सकते हो तब जाकर आप पोल्ट्री में जाइए, क्योंकि जहां तक मैंने पोल्ट्री को जाना है पोल्ट्री में वर्किंग ज्यादा नहीं करनी पड़ती, लेकिन जी हाँ पोल्ट्री में आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिजिकल वर्क जो भी होता है पोल्ट्री में वो कम होता है, या फिर अगर आप वर्क करते भी हो तो वो वर्क किए जैसे आपको महसूस नहीं होता। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको पैसा कमाने के लिए या फिर पोल्ट्री में सक्सेस पाने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या आपके पास टाइम है, सोचिए और उसी के बाद ही पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कीजिए। पॉइंट नंबर 3, शुरुआत में ही पोल्ट्री शेड और उससे जुड़ी हुई इतर छोटी मोटी बातों में 90% तक के, मतलब आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके 90% तक के इन्वेस्टमेंट आप कर लेते हो। ये गलती में जहां तक मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है 80% तक के पोल्ट्री फार्मर करते हैं। मान के चले उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भैया अभी हमें पोल्ट्री फार्मिंग करना है, तो आपको भी ये चीज पता है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो या फिर कोई भी एक नया मकान बनवाते हो या फिर कोई शॉप खुलवाते हो, तो ऐसे में मान के चले उस कैटेगरी के लिए, उस स्पेसिफिक पर्पोज के लिए अगर आपने 10 लाख का टारगेट बनाया हुआ है तो वो काम एंडिंग होते होते के आपको 12 से लेकर 13 लाख या तक के कभी कभार तो 15 लाख तक के भी आपका बजट चला जाता है। यही बात पोल्ट्री फार्मिंग में भी होती है। मान के चलिए उन्होंने 5 लाख का एस्टिमेट तैयार किया कि भैया 5 लाख में मुझे पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करवाना है, 2000 की ब्याच लानी है, उसके बाद थोड़ा सा फेंसिंग करवाना है। तो यहां पर क्या हो जाता है कि जैसे जैसे काम चलते जाता है पूरा का पूरा पैसा पोल्ट्री फार्मिंग के रिलेटेड जो भी उनकी कैटेगरीज होती है, जैसे कि पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन हो गया, पानी के टंकी के लिए स्टैंड हो गया, 200 लीटर वाली टंकी के जगह पर 500 लीटर की टैंक हो गया, उनको वहां पर हाफ HP वाले मोटर से भी काम चल जाता था तो वहां पर वो पानी की सिंचाई के लिए 1 HP या फिर 2 HP वाली मोटर लगवा देना, इस तरीके के अनावश्यक बातों में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट उनकी चली जाती है।
बाद में यहाँ पर उनका स्क्वेयर मतलब जो भी स्टेट का स्क्वेयर फीट होता है वो 3,000 स्क्वेयर फीट के आसपास में होता है, लेकिन वो बैच डलते हैं 1,000 स्क्वेयर फीट की, ठीक है ना। ये तो बात आपने भी एक्सपीरियंस की होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्टार्टिंग में प्रॉपरली प्लान बनवा के ही अनवांटेड चीजों में आपको बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना है। धीरे धीरे बैचेस डलवा के जैसे जैसे आपको प्रॉफिट आते जाएगा धीरे धीरे आप अपने चीजों का एक्सपॉन्ड कीजिए, बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे आप दूसरा शेड बनवाइए, उसका स्क्वेयर फीट बढ़ाइए, दूसरा शेड बनवाइए, अपने मतलब जो भी आपका शेड होगा उसको हाईटेक टेक्नोलॉजी का बनाइए, हो सके तो ऑटोमेटिक एसी फॉर्म बनाइए, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में भैया मैं 5,000 का शेड बनवाऊंगा, उसके बाद 5,000 की मुर्गियां डलवाऊंगा, ऐसी बातें नहीं चलती मेरे दोस्त। आप कौन से बेसिस पर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट पोल्ट्री में लगवा रहे हो? क्या आपने इसके पहले कुछ 4-5 सालों तक के पोल्ट्री फार्मिंग किए हैं? हाँ, अगर आपने 4-5 सालों तक के पोल्ट्री फार्मिंग की है और आपको एक रेशो पता चल गया है कि 5 सालों से मैं बहुत ही कम बार लॉस में गया हूँ और इस बिजनेस में मैं हमेशा प्रॉफिट ही कमाता हूँ, तो ये सिनेरियो में ठीक है कि अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो लार्ज क्वांटिटी में। लेकिन जहां तक मैंने देखा है 90% तक के लोगों को किसी भी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं होता, सिर्फ कोई लोगों से वो चीजें सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, यूट्यूब पर की वीडियोस देखते हैं और डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये वीडियो बनाने का और आपको डिमोटिवेट करने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। यहां पर मैं यूट्यूब पे आपको प्रॉपरली पोल्ट्री के हर एक चीजें समझाकर बताता हूं जितने भी मुझे पता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आगे जाकर आपको लॉस ना हो। जितनी भी चीजें क्लियर आउट करके मैं दे सकता हूं अपने तरीके से, मैं वो आपकी चीजें क्लियर करके देने की कोशिश करता हूं। बाकी आपको जो समझना है जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से इन बातों को लेना है आप ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की अगर बात बोलूं तो क्या आप खुद अपना पोल्ट्री फीड बना सकते हो? जी हाँ दोस्तों, एक लाइन में अगर फीड की बात बोलूं, आज के प्रेजेंट मूवमेंट में अगर आपको पोल्ट्री में सक्सेसफुल होना है या फिर बहुत ज्यादा ग्रो अगर करना है तो खुद का फीड खुद बनाना बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है ना। अगर आप पोल्ट्री का फीड खुद ब खुद नहीं बनाते हो तो ऐसे में आप एक सक्सेसफुल पोल्ट्री वाले कैटेगरी में आने के बहुत ज्यादा दूर होगे या फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। अभी पहले के समय में 2 से लेकर 3 सालों के पहले पोल्ट्री फीड बनाने की मशीन वगैरह काफी महंगे आती थी, लेकिन आज के समय में उनकी जो भी मशीनरी है वो काफी सस्ती आने लगी है। आप डेफिनेटली यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको काफी कम दामों में पोल्ट्री फीड बनाने की मशीन्स मिल जाएगी। मैं किसी एक वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, वहां पर आपको प्रॉपरली समझाकर बताऊंगा कि कितने दामों में आपको पोल्ट्री फीड की मशीन मिल जाएगी। 2,000 कैपेसिटी, 1,000 कैपेसिटी पोल्ट्री फार्म वालों भाइयों को कितनी कॉस्टिंग की मशीन लेना चाहिए, कितनी हॉर्स पावर वाली मोटर लेना चाहिए, ये सभी बातें क्लियर आपको करके बताने वाला हूं। लेकिन ये बात हो गई पार्ट अपार्ट। अगर आप खुद का पोल्ट्री फीड बना सकते हो, चाहे फिर आप 2,000 की पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, 3,000 क्वांटिटी की पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, उससे लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन फ्यूचर आपकी तैयारी पहले से ही है कि अगर आप खुद का पोल्ट्री फीड बना सकते हो तो भैया बिल्कुल भी आपको पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना है। उसके अलावा अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करते हो तो सक्सेस रेट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग में जो भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वहां पर 70 से लेकर 75% जो कॉस्ट आती है वह सिर्फ और सिर्फ फीड के पीछे ही आती है। ऐसे में आपको प्रॉफिट आने वाला है या फिर लॉस आने वाला है, इसका 75% रेशियो फीड के कॉस्टिंग पर डिपेंड होता है। मतलब आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा ये डिसाइड ही ये करता है कि आपके फीड की कॉस्ट कितनी है। अगर आप खुद का फीड बनाते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस रहेगी कि आप हर एक बैचेस में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकोगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गई ये वाली बात भी आपको? पॉइंट नंबर 1 और सबसे महत्वपूर्ण, पोल्ट्री फार्म आप क्यों शुरू कर रहे हो या फिर क्यों करना चाहते हो? आपने यूट्यूब पर के वीडियो देखा है, या फिर हाल ही फिलहाल में आपके पास कोई भी काम नहीं है, या फिर आपके फैमिली में इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है तो आप कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर किसी लोगों से सुनने के बाद या फिर यूट्यूब पर के वीडियोस देखने के बाद आपको ऐसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि भैया ये पोल्ट्री का बिजनेस बहुत ही ईजी है, इन्वेस्ट कर लेना है। ब्रॉयलर की अगर करता हो तो 40 दिन के बाद आउटपुट मिल जाएगा, और अगर मैं देसी की करता हो तो 75-80 दिनों के बाद मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो मेरे दोस्त, अगर इस मेंटेलिटी को लेकर अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहते हो तो आगे में जाकर आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ तक कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बोलूँ, जितनी चीज़ें स्टार्टिंग के पॉइंट पर आसान दिखती है धीरे धीरे उस चीज़ को आप प्रैक्टिकल तौर पर जब करते हो तो वो चीज़ उतनी आसान नहीं होती, ठीक है। यूट्यूब पर हो या फिर कोई पर्सन आपको प्रॉपरली नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता,
इसके वजह से आपको प्रॉपरली मालूमात नहीं होती कि जितना ये बिजनेस आपको आसान है करके अगले वाला पर्सन बता रहा है, उतना ये आसान बिजनेस नहीं है। हालांकि हर कोई बिजनेस में आपको काम करना पड़ेगा, काम के बदले में आपको प्रॉफिट मिलेगा। पोल्ट्री में भी आपको सक्सेस है, पोल्ट्री में भी आपको प्रॉफिट है, लेकिन जितने आसान करके यूट्यूब पर या फिर कोई पर्सन या फिर कोई ट्रेनिंग लेने को आप जाते हो, तो उनका काम होता है कि भैया पोल्ट्री फार्मिंग को समझा कर बताना। वो ये थोड़ी ना बताएंगे कि भैया आप पोल्ट्री फार्मिंग करोगे तो आप लॉस में जाओगे। उनका काम ही यही होता है कि भैया आप इतने इन्वेस्टमेंट लगाओगे तो इतना तक के आप प्रॉफिट कमा सकते हो। कमाओगे यही कोई नहीं बोल सकेगा, कमा सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप यही मेंटेलिटी से अगर आप आने वाले हो कि भैया बहुत ही कम टाइम के इंटरवल पे मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, तो भैया इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर आपको पहले से ही थोड़ा बहुत एनिमल लवर कैटेगरी में आते हो, है ना, मतलब जो भी गाय हो गई, भैंस हो गई, जो मुर्गियाँ हो गई, इनमें थोड़ी बहुत आपको मतलब चाहत है, थोड़ी बहुत आपको वो पसंद है, मतलब उनका काम करना, उनके साथ रहना, ठीक है, उनका बिजनेस करना, इनमें थोड़ी बहुत भी अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है ना दोस्तों, फिर जाकर आपको पोल्ट्री फार्मिंग करना है। और साथ ही साथ पेशेंस को बनाए रखना है, और साथ ही साथ जैसे जैसे दिन आते जाएंगे जाते जाएंगे, वक्त के साथ साथ आपको सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है, वक्त के साथ साथ आपको वो चीज़ों को सीखते जाना है कि आपके पोल्ट्री फार्मिंग करते समय कौन सा एक्सपीरियंस आया, पिछले बैच में मैंने कौन से मेडिसिन इस्तेमाल की थी जिससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला था, पिछली बैच में मुझे मोर्टैलिटी कम क्यों आई थी, पिछली बैच में मैंने मैनेजमेंट किस हिसाब से किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि वक्त के साथ अगर आप कन्वर्ट होने को या फिर चेंज होने को या फिर कुछ नया सीखने को अगर तैयार हो, तो पोल्ट्री फार्मिंग आपके लिए मेरे दोस्त। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम रेगुलर बेसिस पे पोल्ट्री की वीडियो बनाते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक किए बगैर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना मेरे दोस्त। इसी प्रकार का एक पोल्ट्री का नॉलेज वीडियो लेकर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।